आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जितने लोग, जितने भाई, भैया, चाचा, माता, बहन, हमारे दोस्त आप लोग देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम। कुछ मस्ती होली के मूड में हैं हम लोग, थोड़ा सा मस्ती अगर हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूं मैं अपने ऑडियंस से। आरा के उठ लाली लगवलू अब बलिया के बलि नवा के नथुनी, आरा के उठ लाली लगवलू बलिया के बलि नवा के नथुनी, तो कहना जिला के जिलेबी हो एह बबुनी, कहना जिला के जिलेबी हो एह बबुनी। आज आप लोगों के साथ मैं पहली बार लाइव आया हूं, जो भी मिस्टेक हो क्षमा चाहता हूं आप सबसे भी। आरा के उठ लाली लगवलू बलिया के बली नवा के नथुनी, आरा के उठ लाली लगवलू बलिया के बली नवा के नथुनी। ये भोजपुरी है तो कहो ना जिला के जिले कहो ना जिला के जिले भी हाँ ए बबुनी। पटना के पानी जवानी बझल के मलमलिया के दुपट्टा मलामल के, पटना के पानी जवानी बझल के मलमलिया के दुपट्टा मलामल के, बक्सर के बिंदिया सटलू चंपारण के चश्मा होला गेलू सुगनी, बक्सर के बिंदिया सटलू चंपारण के चश्मा होला गेलू सुगनी। तो कहना जिला के जिलेबी हाउ ए बबुनी, कहना जिला के जिलेबी हाउ क्या बात है। कहा ना फुल एंटरटेनर सर। ये बताए इतना प्यार आपको मिलता है, इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, कैसा लगता है? कोई भी आर्टिस्ट, पवन सिंह हो, पायल देव जी हो, आप हो, अगर हम लोग कोई काम करते हैं और उसमें अपना नाम होता है, पब्लिक जो ऑडियंस हमारा देवता है, मेरे लिए भगवान है, हम सबके लिए भगवान है, जब उसको पब्लिक एक्सेप्ट कर लेता है, सपोर्ट करता है, तो एक कलाकार को सबसे बड़ा भोजन वही है। भले आदमी दो दिन खाना ना खाए चलेगा, लेकिन अभी भी हम लोग खाना नहीं खाए हैं भूखे। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? लेकिन जो भी है, हम मंच पे आते हैं, ऑडियंस ताली बजाता है, गड़गड़ा देते हैं लोग, तो सीना चौड़ा हो जाता है, महसूस ही नहीं होता है कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया, बस उधर से आशीर्वाद मिल गया तो हम खाना खा लिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। बाद में आपका ऑर्डर दे दीजिएगा, जो भी चाहिए आप, एकदम सब मिल जाएगा खाने। अच्छा ये बताए पवन जी, भोजपुरी फिल्मों की एक खास बात ये होती है कि सब कुछ धमाकेदार होता है, एक्शन भी धमाकेदार, प्यार भी धमाकेदार होता है, गाने भी धमाकेदार होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा ये धमाकेदार भोजपुरी स्टाइल हमें सिखाएं, मुझे सिखाएं। अगर मान लीजिए कि हमें प्यार का इजहार करना हो किसी को धमाकेदार स्टाइल में,
तो मैं कैसे बोलूंगी? किसी भी चीज को छलका दीजिए, किसी भी चीज पे प्यार बरसा दीजिए, और एक्शन भी होता है, कॉमेडी भी होता है, लेकिन हमारे दुनिया में जब प्यार होला तो प्यार के हद हो जाला वो हद हो जाता है। तो अगर किसी को प्यार का इजहार करना हो, मतलब हमें बताना हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर चलो मुझे बताना है भोजपुरी स्टाइल में एकदम, तो मैं क्या कहूंगी? आप सिखा दीजिए आज मुझे। ठेठ भोजपुरी में हम बोला था, नहीं ट्राई कर रही हूँ मैं ठेठ भोजपुरी। ऐसे अगर हम केहू के बहुत ज्यादा सम्मान दे तो बोलब कि हम तुमसे प्यार करी ला, या हम आपसे प्यार करतानी। भोजपुरी में जो ना कि तनी झगड़ा टाइप के कहला, वो कही कि अरे सुन, हम तोरा से प्यार करी ला। अच्छा, सीधा डायरेक्ट सीधा, हाँ सुनो, ए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, तो क्या कहना है? हम तोरा से प्यार करी ला। हम तोहरा से प्यार करी ले। एक सर, वन मोर टाइम प्लीज, वन मोर टेक। हम तोहरा नहीं, हम तोरा से प्यार करी ले। तोरा। हाँ, हटा दीजिए बीच में से। तोरा से प्यार। हाँ, हम इट्स ओके गाइस, प्यार में लोग चीजें भूल जाते हैं। थैंक्स गाइस, हाँ थैंक्स। हम नहीं, आप एकदम सम्मान के साथ रहिए। आप ये बोलिए कि नहीं, सर यही सीखना है मुझे। हम तोरा से प्यार करीला। पांच बार दिन में बोलिए ये गाइस। सिक्स टाइम बोलोगे लड़की डेफिनेटली छोड़ के जाएगी। लेकिन अब एक और गाने की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्या सुनाना चाहेंगे आप? जो मन में आ रहा है। ओहो, रश्मिन साज छेड़ लिया है, लेट्स गो फॉर इट। कौन सा स्केल है बाबू? हाँ, आइए। ये तो डुएट सॉन्ग है, तो गलती होगा तो माफ करिया जाए। झलकत हमरो जवनिया हे राजा, झलकत हमरो जवनिया हे राजा, आ जैसे कि बोलटी के बनिया हो कुछ काली, आ जैसे कि बोलटी के बनिया हो कुछ काली, रानी हम हूँ ओ भर लोट बहनी हो अवधाली, रानी हम हूँ ओ भर लोट बहनी हो अवधाली। हमरो जवनिया हे राजा, जैसे कि बोलटी के पनिया हो कुछ काली, झलकत हमरो जवनिया हे राजा, आ जैसे कि बोलटी के पनिया हो कुछ काली, रानी हम हूँ ओ भर लोट बहनी हो, रानी हम हूँ ओ भर लोट बहनी हो अवधानी, रानी हम हूँ ओ भर लोट बहनी हो अवधानी। टू मच लेडीज जेंटलमैन, क्या बात है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इनकी एनर्जी को मैच करने के लिए आपको भी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पवन सिंह हमारे साथ। थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे थोड़ी देर के लिए हम इजाजत लेते हैं और बुलाना चाहेंगे अगेन द वेरी वेरी टैलेंटेड पायल देव को। प्लीज वेलकम पायल देव एवरीबॉडी। आप लोग यहां झूमिए, सबको झुमाइए, सबको झुमाइए और हमको भी झुमाइए। डन, डेफिनेटली, क्या बात है। ऑलराइट, वंस अगेन पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर पायल देव। तो
पायल, आपका और डांस का रिश्ता तो बहुत खास है, काफी पहले से है ना। हाँ। काफी पहले से है। हाँ। ऐसा आपने जमाने को नचाया है। हाँ। कि क्या ही बताए। अब क्या करूं, उर्वशी, जब मेरे को पता चला कि वीडियो में उर्वशी रौटेला है। हाँ। तो मैंने कहा कि कुछ पायल देव का दीवाना। थैंक यू। आज आवाज थोड़ी कम निकल रही है, बिकॉज़ तो आपका बड़ा फन है यार। ये तो आपका खाना, सेम प्रॉब्लम विद मी, हमने आज हम खाली पेट खा रहे हैं। मैं एक तो क्लियर करना चाहती हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ हंगामा, हम बहुत खाना देते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत टेस्टी खाना है यहाँ पर। एंड बस शो खत्म होते ही दैट्स द ओनली डिमांड, हम चाहते हैं कि पहले गाना और फिर खाना। खाना करेक्ट। अच्छा ये बताए पायल कि क्या पवन जी के साथ काम करते करते आपने भोजपुरी सीखी? भोजपुरी मैं समझती हूँ क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ, रांची से हूँ, तो हमारे वहाँ पे भी भोजपुरी बोलते हैं लोग। हाँ। बहुत तो समझ में तो आता है, जो बहुत हार्डकोर होता है वो नहीं समझ, वो बाउंस हो जाता है, लेकिन एक जो जैसा वो तोहार तोर तोर हम तोर, तोर से कर करती। हाँ।
बाद में मैं आपको समझा दूंगी, मैंने लेसन्स लिखे हैं वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी. लेकिन खास तौर से हम आप दोनों के गानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जिस गाने की सेलिब्रेशन चल रही है वो एक होली वाला गाना है. तो होली से क्या यादें जुड़ी हैं, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? होली से मैं थोड़ा डरती हूँ बेसिकली, क्यों हमारे वहाँ बहुत बुरा होली खेलते हैं लोग, तो मेरे कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं पहले, तो मैं कभी नहीं खेलती थी. तो एक्चुअली इस बार जब हमने होली में ये शूट किया होली का, तो सबने कलर लगाया यू नो कॉस्ट्यूम पे, फेस पे, एंड इट वाज ऑर्गेनिक कलर. तो जब मैंने ऐसे निकाला, मुझे लग रहा था यार कहीं निकला नहीं कलर, तो एंड व्हेन आई लाइक टिश्यू लेके मैंने ऐसे निकाला तो वो कलर निकल गया था. आई वाज सो हैप्पी. मैंने कहा अरे इस कलर से तो खेल सकते हैं. तो बेसिकली होली खेल रहे हैं ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेल लिए दोस्तों. लेकिन अब हम एक और गाने की ओर बढ़ने वाले हैं. हाल ही में दमंग 3 में आपका एक गाना था. हाँ जी हाँ जी, बहुत लोगों ने पसंद किया. बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए बिकॉज ये गाना मैंने सलमान भाई के साथ शेयर किया एज अ को सिंगर, एंड म्यूजिक इज डन बाय साजिद वाजिद. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देम ऑफ कोर्स, एंड ये गाना बहुत स्पेशल है क्योंकि सलमान भाई के साथ मेरा ये पहला गाना है एज अ को सिंगर. उनके लिए मैं पहले रेस 3 में कर चुकी हूँ, बट दिस इज वेरी वेरी स्पेशल. लेट्स गो फॉर इट प्लीज. या अपने छुपा के स्केल चक्कर रहे हैं. साड़ी का पल्लू घुमा के ब्लाउज को अपने छुपा के, साड़ी का पल्लू घुमा के ब्लाउज को अपने छुपा के, ओ बड़े आदर से निकली यूं करके ओ बड़े आदर से निकली यूं करके हम भी बड़े से बड़े परेशान थे. मैं अदब से गया पास यूं करके आइए सर, जरूर आइएगा कि आ रहा हूं.
महाराज। एक बार फिर से लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, आपके जितने भी फैंस हैं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि होली का प्लान आपने सेट कर दिया है। अब बस हम डांस करने के लिए तैयार हैं, और आपको हमने देख लिया है दोनों को किस तरीके से स्टेप करना है, तो बस कमरियां हिलाने के लिए हम तैयार हैं। उसके पहले एक तो मैं बहुत बड़े मंच पे हूं अभी, और मेरे पेज से भी लाइव हैं हमारे भाई लोग, तो जितने भाई हमको आप लिख के भेज रहे हैं लव यू बॉस, लव यू भैया, सबको दिल से प्रणाम, सबको दिल से थैंक यू। एक भाई ने ये भी मैसेज, मैं एक सेकंड के लिए देखा कि एक गाना मैं गाया था, एक जरा कॉर्ड दीजिएगा, इसके बाद तो नाचना तो जीवन भर है, पहला पहला वाला। हाँ हेलो 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 हेलो, एक गाना मैं गाया था, उसको एक भाई ने लिखा है कि भैया प्लीज एक लाइन। झूठो के राम जी दिल तू बनौला हो, झूठो के राम जी दिल तू बनौला हो, ऊपर से प्रीत के रोग धरला। थैंक यू मेरा भाई, आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हो। थैंक यू सो मच। अभी अभी हम लोग बजाओ बेटा, होली बजाओ, होली बजाओ। लेकिन सर बिफोर दैट मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस्त जो हमें देख रहे थे ऑन हंगामा म्यूजिक, हंगामा प्ले, hangama.com एंड ऑन आवर फेसबुक पेज विच इज हंगामा म्यूजिक। बहुत बहुत शुक्रिया लेडीज जेंटलमैन, वंस अगेन प्लीज 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 गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू पायल देव एंड पवन सिंह। माई नेम इज आरजे उर्मिन, थैंक यू सो मच एवरीबडी।